परमात्मा जिंदी है हाजी। परमात्मा जो बिंदी है इनका नाम ही शिव है। हैं? परमात्मा जो बिंदी है इनका नाम ही शिव है। हाजी। तो ये नाम जो शिव है इनको मुस्लिम क्रिश्चियन और ईसाई उनको मानेंगे क्या? वो नाम शिव है परमात्मा, वो नाम रूप धाम गुण कर्तव्य जानते हैं। दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो नाम रूप गुण कर्तव्य पहले पहले जानते हैं या सूर्यवंशी आत्माएं पहले जानती हैं? जो बाप के असल बच्चे होंगे वो पहले असलियत को जानेंगे या नकली बच्चे पहले जानेंगे? जो असली हैं वो बाप को पहले पहले जानते हैं और जो सौतेले हैं वो बाद में जानेंगे। और ऐसे बोलते हैं खुदा, खुदा तो एक अलग नाम हो जाता है, लेकिन मुस्लिम शिव जैसे मानेंगे? वो मुस्लिम जो है आत्मा वो शिव करके वो मानेगा नाम? मुस्लिम तो मुस्लिम जो आत्मा है हाँ। वो शिव करके मानेगा इसको? वो पहले कैसे जानेंगे, बाद में तो वो भी जानेंगे कि वास्तव में हम बिंदु आत्मा हैं और हम आत्माओं का बाप भी, रूहों का बाप भी बिंदी है और उस बिंदी का नाम शिव है। इसलिए सारी दुनिया में शिवलिंग मिले हैं खुदाइयों में। पहले इस्लामी लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, तब तक मूर्तियों की पूजा करते रहे जब तक मोहम्मद नहीं आए। और सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन सी बनाई जाती थी? देवताओं की मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में बनती थी या लिंगाकार मूर्तियां ज्यादा तादाद में बनती थी? लिंगाकार मूर्तियां ज्यादा तादाद मिलती थी। इसे साबित होता है देर आए दुरुस्त आए बल बाद में जाना, तो भी मुसलमान जितना गहराई से पकड़ते हैं मिलिट्री मैन की तरह, इतना और धर्म वाले नहीं पकड़ते निराकार को। उनकी कुरान में भी लिखा हुआ है खुदा क्या है, खुदा एक सितारा है। भक्ति मार्ग में लिखी हुई कुरान उसमें भी एक्यूरेट परिचय आया। जैसे हम मनुष्य बोलते हैं क्योंकि हमारा मन चलायमान होता है और हम मनन चिंतन करते हैं, तो ऐसे जो पशु पक्षी है, पशु भी है जो है वो भी ऐसे, उनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो भी ऐसे समझ जाते हैं, बात बोल नहीं पाते लेकिन एक्यूरेट और समझ जाते हैं। एक बार मना कर दिया ये करो ये ना करो समझ जाते, वो कैसे करो? एक बार से मनुष्य ही नहीं समझ रहे हैं,
70 साल हो गए मनुष्यों को समझाते समझाते शिव बाबा को, समझ रहे हैं है? बुद्धि में बैठ रहा है। असली पवित्रता का पुरुषार्थ क्या होता है? पवित्र बन पा रहे हैं? और पूरी रामायण ही लिख करके भेजी है। और बाबा ये जो जीव जंतु वो जो आत्मा सब है, उनका आत्मा है, प्राणी आत्मा है, वो विनाश के बाद कहाँ जाएंगे? वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा है, रूह है या नहीं है? मुसलमान लोग तो समझते हैं कि मनुष्यों में ही रूह होती है, इसलिए हम मनुष्यों को मार के नहीं खाते हैं। बाकी जीव जंतु कीड़े मकोड़े इनमें रूह नहीं है, इसलिए उनको मार के खा जाओ, उनको कोई तकलीफ नहीं। मुसलमानों की ये थ्योरी है। क्रिश्चियन का भी ये है? क्रिश्चियन भी ये बोलते हैं? हाँ जी। मननात् मनुष्य है, मनन चिंतन करना ये मनुष्य का काम है, और मनु की औलाद अव्वल नंबर मनुष्य है। बाकी 84 पीढ़ियों के चलते चलते मनुष्य की कोटि गिरती जाती है। असली मनन चिंतन में, उच्च कोटि के मनन चिंतन में तो देवताएं रहते हैं। जो आत्मा का 24 घंटे मनन चिंतन मंथन करते हैं, आत्मा की सेवाएं उन्हें और कुछ याद भी नहीं आता, बाकी द्वापर से कहेंगे रजो प्रदान मनन चिंतनशील मनुष्य। जिनमें काम और क्रोध भर जाता है, तो दूसरे प्राणियों की तो बात ही क्या। अगर दूसरे प्राणियों में भी मनन चिंतनशीलता होती तो उनको भी भगवान का ज्ञान मिलता। यहां तो मनुष्य में ही 84 लाख योनियों जैसे भरे पड़े, और बाबा एक मूवी में था, बाप का भी जन्म होता है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसको पता नहीं है। जन्म शरीर का होता है या आत्मा का होता है? है? शरीर का जन्म होता है, आत्मा का तो जन्म होता नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो रावण भी शरीरधारी है और शरीरधारी मनुष्यों का बाप भी शरीरधारी है, और सुप्रीम सोल भी शरीरधारी बनता है या नहीं बनता है? है? सुप्रीम सोल भी शरीरधारी बनता है, तो रावण का भी जन्म है और भगवान का भी जन्म है। बाबा ये संग्रह में चारों ब्रह्मा का शूटिंग होता है ना, सिर्फ ब्रह्मा का ही शूटिंग होता है? संगम युग में चारों ब्रह्मा का शूटिंग हो रहा है ना, सिर्फ ब्रह्मांड बच्चे का शूटिंग हो रहा है?
जैसे कि सृष्टि चक्र चारों धर्म की श्रुति प्रमाण है। सृष्टि चक्र में देखा है तो सभी धर्मों का अपना अपना समय में अपना अपना भूख लेके दिखाया गया है सृष्टि चक्र में। हाँ। जैसा कि आदि सनातन देवी देवता का एक भूख दिखाया गया है। हाँ। और एक इस्लाम का दिखाया गया है। हाँ। तीसरा है बुद्धिस्ट का। हाँ। अंतिम में है क्राइस्ट का। हाँ जी। तो वहाँ तो सबका अपना अपना समय में एक ये दिखाया गया है कि मैंने अपना अपना धर्म गुरु ने अपना अपना बुक बनाया गया। हाँ। तो अभी संगम युग में वो गुरु लोग भी हमारे पास आए ना, शूटिंग हो रहा है ना, वो लोग का बाद में होगा। अभी जो भी धर्म आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, वो अपने धर्म की वृद्धि करते कहां से हैं? कहां से वृद्धि होती है? उनके अपने धर्म खंड से वृद्धि होना शुरू होती है या भारत खंड से ही वृद्धि होना शुरू होती है? भारतवासी हिंदू कहे जाते हैं और वो हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, तो उन धर्म पिताओं को, उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स को किसके पास आना पड़े? है? अरे बाप के पास भी आना पड़े, बाप के बच्चों के पास आना पड़े। बाप तो अपने बच्चों से बात करते हैं, धर्म पिताओं के बच्चों से बात करते हैं क्या? वो सन्मुख बैठ पढ़ते हैं क्या? नहीं, बाप अपने बच्चों से बात करते हैं। कौन से हैं अपने बच्चे? सन्मुख बैठे तो हैं, लेकिन उनकी परिभाषा बताई है, जो हमारे कुल का होगा वो थोड़ा सा सुनेगा और फट से चटक पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बार बार आए, बार बार ठोकरे खाई, बार बार भाग गए। वो हमारे धर्म की नहीं है। और चंडी चंडी माने चंडिका देवी, जैसे चांडाल होता है, नीचा पद है ना, ऐसे ही चंडिका देवी भी देवियों में नीचा पद है। क्योंकि स्थापना के काम में कम सहयोगी बनती है, विनाश के कार्य में ज्यादा सहयोगी बनती है। और तमो प्रधान से सत प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो हम जो पीछे आए हैं तो हम कैसे सत प्रधान बनेंगे जल्दी? सॉरी, हम 40 वर्ष के अंदर नहीं आए क्या? हा? फिर 40 वर्ष के अंदर जो भी जब भी आए 76 से लेकर के 2006-07 तक, उसी समय से उनकी काउंटिंग की जाएगी। पहले पहले आत्मा आती है, सतो प्रधान होती है, भावना ज्यादा बैठी हुई होती है, बाद में संगी साथियों आसपास वालों की बातें सुनकर के या तथाकथित ब्राह्मणों की ग्लानी सुनकर के कान खड़े होने लगते हैं, ये भगवान है कि शैतान है? बस भक्ति मार्ग में तो बताई दिया, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, ओय पाप गौ घात समाना। सदगुरु की निंदा कानों से भी सुन ली तो गौ हत्या का पाप लग जाता है,
वो तो जानवर गौ की हत्या का पाप समझते हैं। यहां सदगुरु की निंदा जो सुनते हैं वो कौन सी गौ की हत्या करने लग पड़ते हैं? है? जो ह्यूमन गौए हैं, कन्याएं माताएं ज्ञान में चलने वाली, उनकी हत्या करना शुरू कर देते हैं। तो गौ हत्या के पापी हुए या नहीं हुए? हुए। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो अपवित्र होने लग पड़ते हैं। ये बाबा जो प्रश्न का जवाब देते हैं ना, तो जो मुख से प्रश्न करते हैं उनका प्राथमिकता पहले होता है, वो जो लिख करके दिया है प्रश्न। जो भी प्रश्न करते हैं ना, हाँ, तो आप मतलब उन्हीं का ही मतलब आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपके हाथ में जो प्रश्न है तो उसका जवाब कब दे पाएंगे? आप उत्तर मांग रहा है, आप जो बोले है ना उसका उत्तर कब देंगे? ये हाथ वाले हमें पढ़ने पड़ते हैं, और पढ़ने के बावजूद भी उनमें कुछ शंका पैदा होती है कि ये प्रश्न गलत क्यों लिखा, सही क्यों लिखा, पढ़ने में आया नहीं आया, वो हमें पूछना पड़े। और यहाँ तो आमने सामने बैठे हुए हैं, तो जो आमने सामने बैठे हुए हैं उनके प्रश्नों का जवाब पहले दें या लिखा पट्टी का जवाब पहले दें? जब लंबे लंबे लट कोई तो प्रश्न ही बड़े बोगस हैं, कोई तो ऐसे प्रश्न है जो बार बार वो ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाई को रहम आ रहा है, ये लिख लिख के दिए हैं, इनको क्यों नहीं जवाब दे रहे? और नार माने ज्ञान जल, नारायण, नारायण, नार माने जल, ज्ञान जले में ही जिसका आयन रूपी घर है वो नारायण, माने जिसकी बुद्धि ज्ञान जल में ही चलती रहती है, ज्ञान जल में ही बुद्धि जिसकी धरी हुई है वो है नारायण। ऐसे ही नारद क्या द? द माने देना, क्या द? ज्ञान देने में ही लगा हुआ है, तीनों लोगों का चक्कर काटता रहता है, ज्ञान देता रहता है। अरे स्वर्ग में टिक जाना चाहिए, कि ज्ञान देने में ही लगे रहना? गुरु बनने में बहुत फायदा लगता है, बाबा आपका जो बुद्धि है ना, वो नीचे ने जो है तपस्या करके जो नीचे में बैठा है, जो श्वेतंबर जो मंदिर है, ऊपर में बैठे हैं तो दिगंबर मंदिर, वो ऊपर में जो बैठा मंदिर सारा नमना मूर्ति और काले काले मूर्तियां हैं, और उसी का सामने बैठ के राज्य तपस्या कर रहा है, वो अभी भविष्य के बाद में अभी जो कर रहा है इसी के बाद कर रहा है ना? जो काली मूर्तियां हैं वो एडवांस पार्टी है रुद्रमाला, जो गोरी मूर्तियां हैं वो विजय माला दिखाई गई, वो नीचे की ओर है। हाँ जी, वो नीचे स्टेज में है। हाँ, तो दिगंबर का ऊपर जो है ऊंची स्टेज का है, वो ऊंची स्टेज में है, निराकारी स्टेज उनकी ज्यादा बनती है, उसका सामने में ही तपस्या कर रहा है। हाँ जी, मेरा जो फाइनल पेपर आएगी वो कैसे है, क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब कैसा परीक्षा आएगा, ताकि हम बता तो दिया फाइनल परीक्षा क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, देह से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों से, देह से संबंधित जो भी संबंधी हैं अनेक प्रकार के, उन संबंधियों से
नष्टो मोह, देह के संपर्कियों से सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग संपर्क में आते हैं, संपर्क तो हल्का फुल्का होता है, संबंध गहरा होता है, तो चाहे संबंधी हो चाहे संपर्की हो उनसे कितना मोह नष्ट हुआ है। जिसमें मोह लगा हुआ होता है उस तरफ बार बार बुद्धि जाती है, ये पहचान है कि कहां मोह लटका हुआ है। यही परीक्षा होगी खास, जो अर्जुन अंत में कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इन चीजों से मेरा मोह नष्ट हो गया, अब परमात्मा स्वरूप की स्मृति मुझे लगातार के लिए आ गई, निरंतर स्मृति, और कहीं बुद्धि न जाए। अगर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बुद्धि जाती है माने मोह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो जो मोह लग जाता है हम फिर इसको कैसे रिटास करेंगे? स्टाफ फुल स्टाफ लगाना नहीं आता, फुल स्टाफ लगाना बताया नहीं है, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता तो प्राप्ति भी नहीं हो पाती। जितना हिम्मत करेंगे, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, बच्चे कहेंगे नहीं हो पाता तो हिम्मत हार गए, ये हिम्मत ही बच्चे हुए, हिम्मत हार गए, हिम्मत नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। और हमको ऑब्जेक्टिवाइन में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लगता, मतलब ऑब्जेक्टिवाइन चलता है इतना मजा नहीं लगता जिसे व्यक्ति में लगता है, सोचा ये क्यों मजा? अव्यक्तवाणी सुनने के लिए बीके वाले दौड़ते हैं दूर दूर से, या एडवांस वाले दूर दूर से दौड़ते हैं? बीके बनने वाली आत्माएं सतयुग में जाकर के सिर्फ देवता बनेंगी या संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में बाप के बच्चे बनेंगे, देवता बनेंगे राधा कृष्ण की तरह? देवताओं को धारणा की वाणी अच्छी लगेगी या ज्ञान की वाणी अच्छी लगेगी? देवताओं में धारणा होती है तो उन्हें धारणा की बात अच्छी लगेगी। धनवान होता है उसको काय में मोह होता है, धन में मोह होता है, तो उनको अव्यक्त वाणी अच्छी लगती है। एडवांस वाले क्या है? और एडवांस वालों को ज्ञान धन ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बाप का वर्षा लेने वाले हैं। अव्यक्त वाणी देवता देता है, देव आत्मा से मिलती है। कौन सी आत्मा देने वाली है इस समय? अव्यक्त वाणी देने वाली कौन सी आत्मा है? जो सृष्टि का पहला पहला देवता है, तो देवता से देववाणी मिलती है, धारणा की वाणी मिलती है। और हम क्या लेने वाले हैं? है? हम देवता से लेने वाले हैं या भगवान से लेने वाले हैं? देवता ऊंचा या भगवान ऊंचा? गीता में तो लिखा हुआ है मेरे को जो भगते हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं। देवताओं के पूछे जिनकी बुद्धि भागती है वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेतों के पीछे जिनकी बुद्धि भागती है
वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। आजकल देखो भूत पूजा कितनी चल रही है, फटाफट देवी का आवाहन हो जाता है, देवी आ गई पूजा करो। तो ये भूत पूजा है या देवी पूजा है? अरे आज की दुनिया में देवियां देवता कहां से आ गए? तो हमको अव्यक्त वाणी में उतना मजा नहीं आता, आता है, क्योंकि वो अव्यक्त वाणी भी उसके राज को वो तथाकथित ब्राह्मण नहीं समझ सकते, गुह्य राज को, गुह्य पॉइंट्स को। वो गुह्य पॉइंट्स भी हमें जब अव्यक्त वाणी का क्लैरिफिकेशन मिलता है तब हमें उसमें मजा आता है, क्योंकि वो अव्यक्त वाणी भी खास हमारे लिए चलती है। सतयुग के देवताएं पहले दिव्य गुण धारण करेंगे। यह संगम युग में जो बाप के बच्चे बनते हैं वो विष्णु समान पहले बनेंगे। संगम युग में बाप के बच्चे विष्णु समान देवता पहले बनेंगे, वो डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं। परंतु प्रेफरेंस बाप की वाणी को देते हैं। कोलकाता में, कोलकाता इस साइड में उनके यहाँ काली का पूजा ज्यादा होता है, काली लक्ष्मी दुर्गा ये सब, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश का पूजा, ये क्यों होता है? बाबा का ज्ञान तो बहुत सब क्या है, ये के आधा इधर आधा इधर, ये क्यों होता है? आधा कहाँ है? तो कलकत्ता में गणेश को इतना 7 दिन पूजा नहीं करते, 1 दिन बस पूजा होती है, द्वारा रहती है, महाराष्ट्र में 7 दिन करते। भगवान का बच्चा बनना ज्यादा ऊंची बात है या बच्ची बनना ऊंची बात है? बच्चा बनेंगे तो वारसदार बनेंगे, और बच्ची बनेंगे तो जो वर्षा बच्चे को मिलता है वो वर्षा बच्ची को नहीं मिलता। बच्ची फिर भी आधीन की आधीन ही रहती है, और बच्चा बाप की राजाई लेकर स्वाधीन बन जाता है। तो महाराष्ट्र में बच्चे की पूजा ज्यादा होती है, और कलकत्ते में देवियों की पूजा ज्यादा होती है। देवियों में भी कौन सी देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है? वहां काली कलकत्ते वाली बहुत प्रसिद्ध है, चंडिका देवी। कलह क्लेश से कट्टा कौन करता है? अरे कलह क्लेश बचाने वाले, कलह क्लेश बढ़ाने वाले असुर हैं या देवताएं हैं? पांडव हैं या कौरव हैं? तो कौरवों का संहार कहो, असुरों का संहार कहो, प्रैक्टिकल करता कौन है? देवियां करती हैं, देवियां ही गाई हुई हैं असुर संहारिणी। तो असुर ज्यादा वैश्यावृत्ति करने वाले कलकत्ते में, या पश्चिम में, कौन से शहर की वैश्यावृत्ति गाई हुई है? कलकत्ते की।
जो धनी मानी पैसे वाले लोग होते हैं, दुष्चरित्र हो जाते हैं, तो अपना सारा धन कहां जाके पूजा में लगाते हैं? हा? किसकी पूजा में सारा धन गंवाए देते हैं? वैश्या की पूजा में सारा धन गंवाए देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि महाकाली संपन्न स्टेज जब धारण करती है तो वैश्या है। कौन सा फल है? जिसका नाम नारियल है। रियल है कि नारियल? नारियल है, रियल है। जैसे नारियल में तीन नेत्र दिखाई जाते हैं, ऐसे ही रुद्रमाला की ये दो मणके हैं जो भगवान के बहुत नजदीक हैं, महाकाल और महाकाली। दोनों त्रिनेत्री हैं। महाकाली को तीसरा नेत्र दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? तो रियल पार्ट बजाते हैं या नारियल पार्ट बजाते हैं? नारियल पार्ट बजाते हैं। लोग समझते हैं ये तो रियल है। हाँ बेसिक के शासक प्रशासन हम लोग जो संदेश देने के लिए जाते हैं तो वो लोग अपना बाहुबल का भी प्रयोग करना चाहता है। वो लोग बोलता है कि हम महाकाली का रूप लेके आए हैं। इससे 15-20 दिन पहले एक माता पे हाथ उठाने वाला था वो लोग, बड़ा वो लोग को छोड़ देना चाहिए। भाई बहन को इकट्ठा करके इस बारे में शांतिपूर्ण रूप से कुछ बाबा ने मुरली में इस संबंध में क्या डायरेक्शन दिया है? बाबा तो मुझे भाग जाने के लिए तो बाबा भाग जाओ। अगर कोई बाहुबल चलाता है तो भागना ही अच्छा है या बाहुबल का जवाब बाहुबल से देना अच्छा है? शांतिपूर्ण रूप से भाई बहन को इकट्ठा करके मुरली के आधार से उससे बात तो कर सकते ना। वो बात ठीक है, वो अलग बात। आप जाकर के उनके बाहुबल का जवाब कानून से भी दे सकते हैं। मारपीट करते हैं, चोट का निशान है, जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करो। ताकत तुम्हारे पास ज्यादा पैसे की है, कोर्ट कचहरी में ले जाओ। वो हजारों की गड्डियां खर्च करें, तुम लाखों की गड्डियां खर्च कर दो। लड़ो लड़ाई सच्चाई के लिए। बाकी बाहुबल का जवाब बाहुबल से नहीं देना है। बाबा तो भी बोले है ना, बाबा की पुलिस को घूस नहीं खिलाना है। घूस कैसे खिलाए बाबा? बाबा ने कभी मुरली बोला पुलिस को घूस नहीं खिलाना? घूस नहीं देना है बोल के मुरली बोला है? मुरली में तो बोला आज की दुनिया में सारे धंधे झूठे हैं, झूठे धंधे करेंगे तो झूठे काम भी करने पड़ेंगे, सब धंधों में नुकसान। ये कोर्ट कचहरी का धंधा झूठा है या सच्चा है? ये भी झूठा है। तो बाबा फिर बोलते हैं वहां जाने के लिए। कहां जाने के लिए? कोर्ट कचहरी में जाने के लिए। ये नहीं कहा, तुम्हारे पास अगर दम है। दम तो बाबा इस वजह कार में लगाना है ना, वो असूर्य को खिला के उसके पीछे लगे तो बाबा ने कहा भाग जाओ। सबसे बढ़िया बात, अपना पैसा स्थापना में लगाना अच्छा है या बाहुबल दिखा करके विनाश में लगाना अच्छा है? बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योग बल वाले राजा ही प्राप्त करेंगे, तो राजा ही प्राप्त करना अच्छा नहीं लगता? माने भाग जाना अच्छा नहीं लगता?
भाग रहे ना बाबा, फिर ये लोग चोर है, हम लोग का मुरली चुरा के भाग रहा है, बोलिए आरोप लगाता है ना बाबा, मुरली चुराता है बोलिए कितना। भगवान की चीज चुराना अच्छी बात है या बुरी बुरी बात है? बाबा बोलते हैं हम लोग ये हमारी माँ का दूध है, ये इनका भी है मेरा। हाँ तो फिर कोई झूठ बोलता है तो हमारे ऊपर चिपक जाता है क्या उसका झूठ? तो फिर बगने दो, हियर नो एविल, डोंट केयर, आज नहीं तो कल सच्चाई सर पर चढ़ के बोलेगी। जबकि हम जानते हैं लड़ाई लड़ने में फायदा नहीं है, हमारा नुकसान है। और हाँ जी बाबा, शिव बाबा हर टाइम यहाँ पर रहते ना, बीच बीच में पड़ा हम जाते हैं तुम्हारी बुद्धि यही रहती है कि बीच बीच में इधर उधर भी चली जाती है? बोलो, तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा है कि नहीं है? है ना, वो यही रहती है या इधर उधर भी चली जाती है? दुनिया में घड़ी घड़ी जाती है, घड़ी घड़ी चली जाती। तो तुम्हारे में ताकत है और शिव बाबा की मन बुद्धि रूपी आत्मा में ये ताकत नहीं है कि एक घड़ी में अनेक जगह कार्य कर सके? है? बाकी उसमें हमारा घाटा है। बाबा ने तो यही डायरेक्शन दिया है, तुम ऐसे ही समझो कि इसमें सदैव ही शिव बाबा है। सदैव ही शिव बाबा समझेंगे तो तुमको फायदा होगा। अरे यही तो जवाब दिया बाबा ने, यही तो मुरली में कहा, तुम सदैव समझो इसमें शिव बाबा है। इसका मतलब तुम आदि हो चुके, फिर भी प्रश्न पैदा होता है। बाबा ने डायरेक्शन मुरली में दे दिया, श्रीमत दे दी, तुम सदैव यही समझो शिव बाबा है इसमें, फिर भी प्रश्न पैदा होता है। नहीं सब आगे है ना, जब तक यहाँ पर स्वर्ग स्थापना नहीं होगा तब तक शिव बाबा वापस नहीं जाएंगे ना सुप्रीम सर, तो अभी तो यही मनुष्य जब तक जाते होंगे फिर परम धाम तो नहीं जाएंगे, नहीं जाते है ना। जब बाबा ने तुमको डायरेक्शन दे दिया कि तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यही समझो कि शिव बाबा इसमें सदैव मौजूद है, इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कभी समझेंगे इसमें है शिव बाबा, कभी समझेंगे नहीं है। तुम्हें जो बात अच्छी लगी वो तो तुम मान लोगे श्रीमत, जो अच्छी नहीं लगी इसमें शिव बाबा नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो नुकसान होगा या फायदा होगा? कभी शिव बाबा है तो मानेंगे, जब समझेंगे शिव बाबा नहीं है, हमारे अनुकूल बात नहीं बोली, ये शिव बाबा की बात नहीं हो, शिव बाबा चला गया, तो श्रीमत की अवहेलना करेंगे या श्रीमत पालन करेंगे? हैं? बाबा तो कहते हैं अगर ये कुछ झूठ भी बोलता है, गलत भी बोलता है, उल्टा पलटा भी कर देता है तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। इतनी गारंटी देने के बावजूद भी हमारा प्रश्न बार बार वही चलता है, इसमें शिव बाबा है या नहीं है, रहता है या नहीं रहता है। और हाँ है बाबा, धरान में एक मंदिर है पिंडेश्वरी बोल के, पिंडेश्वरी मंदिर, उसका बेहद का अर्थ क्या है बोल के माता जी बोल रहे? पिंड की ईश्वरी, पिंड लिंग को कहा जाता है, क्या लिंग को कहा जाता है, पिंडेश्वर है और फिर पिंडेश्वरी, क्या पिंडेश्वर, जो भी पिंड है उनका शासक स्वामी, और जो भी पिंड है उनकी शासिका स्वामिनी,
उसे कहते हैं पिंडेश्वरी। शासन किसके ऊपर होता है, कौन किसके ऊपर शासन करता है? जो इंद्रिय जीत होता है वो इंद्रियों से हारने वाले के ऊपर शासन करता है। जो जितना इंद्रिय जीत होगा वो उतना ही शासन करेगा। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? नहीं, जिसे जीतने की बात है, काम इंद्रिय। काम जीते जगत जी, तो लिंग ही पिंड है। शिव का लिंग ही पूजा जाता है, देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता। तो कोई ऐसी भी शासिका है कि जिसने जीता है, हारती नहीं है, हिम्मत हार के नहीं बैठ जाती है सामान्य औरतों की तरह कि इसने मेरे को बस में कर लिया। नहीं, जब तक पूरा विनाश न कर दे अत्याचार का तब तक सर पर चढ़ के बोलती है। उसका नाम क्या है? हाँ, महाकाली पिंडेश्वरी। और बाबा शंकर के गले में काला क्यों दिखाया गया और इनको नीलकंठ क्यों है? शंकर को बिसपाई कहते हैं या नहीं कहते हैं? विष पिएगा और विष का असर दिमाग में जाने दे या न जाने दे, विष का असर आत्मा के ऊपर होने दे या नहीं होने दे? नहीं होने देगा। तो विष पीता तो है, लेकिन मस्तक तक पहुंचने नहीं देता। जब सर के अंदर विष पहुंचेगा ही नहीं तो कहां रुक जाएगा? गले में रुक गया। तो भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाया है, बाबा भी आते हैं तो गले तक जब डूब जाते हैं तब निकालते हैं। तो नीलकंठ दिखाते हैं, एक चिड़िया होती है नीलकंठ, देखिए नीले कंठ वाली चिड़िया क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है। कीड़ों मकोड़ों में विष होता है या अमृत होता है? विष ही विष भरा पड़ा होता है। बाबा भी मजेदार बातें बोलते रहते हैं मुरली में, कहते हैं भक्ति मार्ग में शंकर को दिखाया है कि विष पीते पीते गला ही काला हो गया। अभी यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। लोगों की समझ में, दुनिया वालों की समझ में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की समझ में ये एक ही बात नहीं बैठती, बाकी सारा ज्ञान अच्छा है। और बाबा इस समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा जीव जंतु के लिए बहुत बड़ा बड़ा जीव है,
तो वो सत्य युग में वो तो समुद्र रहेगा, वो कहाँ जाएगा? सत्य युग में मनुष्य रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो मनुष्य कहाँ जाएंगे जो बहुत हत्याएं करते हैं, एटम बम फोड़ देते हैं और शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? समंदर में जाएंगे। वो समंदर में जाके जन्म लेंगे है? वो कलयुग के अंत में ही आके जन्म लेंगे ना, राक्षसी दुनिया में जन्म लेंगे या सतयुग के आदि के सतोप्रधान टाइम में जन्म लेंगे? कहाँ जन्म लेंगे? राक्षसी दुनिया में। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, तो समंदर भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। सतोप्रधान में सतोप्रधान जीव जंतु ही होंगे या तमोप्रधान राक्षसी आत्माएं भी होंगी? है सतोप्रधान होंगे। तमोप्रधान जीव जंतु परम धाम से द्वापर युग से उतरना शुरू होते हैं। जिनमें थोड़ी भी तमोप्रधानता होगी तो द्वापर में आवेंगे। और बोला है कि मेरा याद में रहेंगे तो ब्लड प्रेशर और शुगर ये सब कम हो जाएगा, बीमारियां कम हो जाएगी। लेकिन मम्मा तो बहुत फुर्सत कर चुके, याद करते थे उनको कैंसर हो गई। मम्मा याद तो करती थी लेकिन सहज याद करती थी, निरंतर याद करती थी या बिंदु को टूट टूट के याद करती थी? बिंदु को याद तो करती थी लेकिन बिंदु की याद टूट टूट के आती है या निरंतर याद आती है? टूट टूट के आती है। तो निरंतर याद तो हुई नहीं, अधूरी याद है या संपन्न स्टेज की याद है? अधूरी याद है। अधूरी याद है तो बीमारियां आएंगी या नहीं आएंगी? जब तक अधूरी याद है तो बीमारियां जरूर आएंगी। संपन्न याद तो ब्रह्मा बाबा की भी नहीं थी क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि साकार में कौन भगवान है, वो तो क्या समझे बैठे थे। साकार में भगवान का रूप कौन है दुनिया में, उन्होंने क्या समझ लिया है? गीता का साकार भगवान कौन है दुनिया में, किसको समझा? अपन को ही समझ लिया। शिवो हम ब्रह्मास्मि समझ के बैठ गए। मेरे से बड़ी स्टेज वाला ब्रह्मा कोई है ही नहीं, मैं ही प्रजापिता ब्रह्मा हूं। इसलिए बीमारियां भी आती हैं, हार्ट फेल भी होता है, कैंसर भी हुआ। उनको फॉलो करने वालों को ट्यूमर भी हो रहा है। और हरे कृष्णा, अरे एक आदमी बोलो। हले से एक जगह का नाम है बाबा, अलप्पी सागर मंथन में सागर माथा के अंदर क्या है? हलेसी महादेव, हलेसी जगह का नाम है हलेसी।
एक गुफा है अंदर, हाँ उसका नाम है हलेसी महादेव बोलते हैं। अभी हलेसी शब्द क्या है नेपाली में, ये तो नेपाली लोग ही ज्यादा जानते होंगे। हलेसी महादेव, हाँ हाँ हलेसी मतलब महादेव ने तपस्या किया था, हलचल आ गया मतलब हिला दिया, इसीलिए हलेसी बताया, हलचल कर दिया, तो जगह का नाम हलेसी है। अरे वो तो बाबा ने बता दिया कि तुम जितनी याद में ज्यादा रहेंगे तो जल्दी जल्दी बढ़िया विनाश होगा, कम याद में रहेंगे तो विनाश नहीं होगा। ज्यादा याद में रहने से जल्दी जल्दी विनाश होगा। तो सबसे ज्यादा याद में कौन रहता है? शंकर सबसे जास्ती याद में रहता है, तो उनकी यादगार का कुछ ऐसा वो बन गया एवरेस्ट के नजदीक गुफा के अंदर में शंकर का मूर्ति है। उस समय कोई जब बहुत विनाश होगा दुनिया का, आखिरी विनाश होगा, माउंट आबू भी उस विनाश में पृथ्वी के गर्त में चला जाएगा, तो उस समय शंकर जी देखने में आवेंगे क्या? है दुनिया वालों को शंकर जी देखने में आवेंगे है? क्या आवेंगे कि कहीं गुप्त गुफा में घुसे पड़े होंगे? आवेंगे, हाँ सबकी नजरों से ओझल होके रहेंगे, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, तो रख दिया होगा नाम हलेसी। ऐसी हलचल मचाई जो सब विचलित हो गए, कहां भाग खड़े हुए हैं? अरे परमधाम में भाग खड़े हुए सब हाथ में, और अभी अभी निश्चय और अभी अभी निश्चय ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? हा? क्यों होता है? अभी अभी निश्चय और अभी अभी अनिश्चय ऐसा क्यों होता है? हा? है सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय किसको होता है? ब्रह्मा वाली आत्मा को सबसे जास्ती निश्चय और सबसे जाती अनिश्चय होता है। घड़ी घड़ी निश्चय में आते हैं, घड़ी घड़ी अनिश्चय में आते हैं। उनकी यादगार क्या दिखाई गई है? हैं? सागर में पीपल का पत्ता दिखाया है, नाव। पीपल के पत्ते की क्या खासियत होती है? थोड़ा सा हवा का झोंका आया और जोर से हिलने लग पड़ता है। ऐसी हल्की फुल्की शरीर रूपी पुरुषार्थ करने वाली नवैया है, जो थोड़े से माया के झोंके से हिलने लग पड़ती है, तो कमजोर पुरुषार्थी हुआ या पावरफुल पुरुषार्थी हुआ? इसको पुरुषार्थ की कमजोरी कहेंगे। पावरफुल पुरुषार्थी तो वो हैं जो सारी दुनिया डोल जाए लेकिन हम बाप को नहीं छोड़ेंगे। कितने निकलेंगे? आठ निकलेंगे। हाथ तो डब्बा ही गोल कर दिया लिखने वालों का, शास्त्र लिखने वाले ढेर हो गए अब। छोटे छोटे प्रश्नों का तो जवाब मिल जाता है। ओम शांति। Thank you.
जाना है भाई, आधा घंटा तो इंतजार करने में चला गया। जो दूर दूर से आ रहे हैं वो भी आ जाए, तीन घंटे का क्लास, साढ़े तीन घंटे में पढ़ाया जा सकता है।